अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र महासंघ चुनाव का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। इस महासंघ चुनाव में 32 महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे और कुल 4 पदों के लिए वोटिंग जारी है, जबकि 2 पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अध्यक्ष पद पर एवीपी और एनएससीवाई के बीच सीधा मुकाबला है। शाम को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिलहाल छात्र महासंघ चुनाव के लिए कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया जारी है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सिंह जीना विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ का चुनाव वर्तमान में जारी है और इसमें कुल 6 पद हैं, जिसमें से वर्तमान में 4 पदों के लिए वोटिंग चल रही है और 2 पदों पर जो है निर्विरोध मतलब जो है प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। और इसमें छात्रों का और समस्त पुलिस प्रशासन और हमारे प्रशासन का पूरा सहयोग हमें दिया जा रहा है। हमारा प्रॉक्टर बोर्ड और हमारा डीएसडब्ल्यू बोर्ड इसमें पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सके।